आईपीएल में खलेगी इस तूफानी गेंदबाज की कमी। वर्ल्ड कप में स्टंप्स तोड़कर मचाया था तहलका। विश्व कप 2019 में अपनी तूफानी गेंदबाजी से बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ाने वाले मिचेल स्टार्क आईपीएल 2020 में भी खेलते नजर नहीं आएंगे। इस ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने 19 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नीलामी से खुद को अलग कर लिया है। यह लगातार दूसरा साल है जब स्टार्क ने इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। स्टार्क ने पिछले साल वर्ल्ड कप की तैयारी के चलते आईपीएल से दूरी बनाई थी, जिसका ऑस्ट्रेलियाई टीम को पूरा फायदा भी मिला था। 29 वर्षीय कंगारू पेसर विश्व कप 2019 के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 10 मैचों में 27 विकेट लेते हुए विश्व कप के किसी एक संस्करण में हमवतन ग्लेन मैग्रा 2007 26 विकेट के सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ा था। मिचेल स्टार्क आखिरी बार 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से खेले थे। 2018 में बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.4 करोड़ में खरीदा था, लेकिन चोट के चलते वे नहीं खेल पाए थे। स्टार्क ने अब तक आईपीएल में 27 मैच खेलकर 34 विकेट लिए हैं। 15 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल ने इस बार नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। दोनों का बेस प्राइज 2 करोड़ है। मैक्सवेल ने पिछले दिनों मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात कहकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बना ली थी, लेकिन 23 नवंबर को उन्होंने क्लब क्रिकेट में वापसी की है। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट भी इस साल की नीलामी में नजर नहीं आएंगे। 19 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नीलामी में 971 क्रिकेटरों पर बोली लगेगी, जिनमें 713 भारतीय और 258 विदेशी खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा 55 खिलाड़ियों ने रजिस्टर कराया है। फ्रेंचाइजी टीमों के पास खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 9 दिसंबर की शाम 5 बजे तक का वक्त होगा। आईपीएल के 13वें सत्र की नीलामी से पहले 8 टीमों ने 35 विदेशी खिलाड़ियों सहित 127 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जबकि नीलामी में 29 विदेशी खिलाड़ियों सहित 73 खिलाड़ियों को खरीदने पर बोली लगेगी।